यारों की यारी में कभी कोई रूल नहीं होता, और ये दोस्ती सिखाने के लिए कोई स्कूल नहीं होता। इसी लाइन को आज से 8 साल पहले पंजाब की सरजमी पर एक बंदा सर्च कर गया। उसकी अदा ही कुछ ऐसी थी कि छोरियां भी उस पे मरदी, मगर वह अपने यारों पे मरता था। भाई लोग, आपको गुज्जू भाई फिर से एक ढांसू कहानी लेकर आ गयो है। दिल धाम के बैठी है, बारूद गिरने वाला है। पंजाब जलंधर का एक पिंड बोले तो कालवा, इसी गांव में एक प्यारी सी फैमिली रहती थी। सुदर्शन सिंह और हरजिंदर कौर ने विदेश जाकर अपने बच्चों का भविष्य बेहतर करने का ख्वाब देखा था। उनके दो बेटे सोनू और सुखबीर उर्फ सुखा दोनों ही बहुत शरारती। माँ हरजिंदर कौर गुमान से कभी कभार सोचा करती, मेरे करण अर्जुन बड़े होकर अपने लिए बेहतर दुनिया बनाएंगे। मगर उनको थोड़ी ना पता था कि नियति इनके बेटों को कहीं और ले जाना चाहती थी। अब वीजा भी लग चुका था, सुदर्शन सिंह बहुत खुश थे। तभी एक मुसीबत आ खड़ी हुई। दरअसल सुखा की अपने स्कूल में लड़ाई हो गई। वह लड़ाई गांव में दो गुटों में बट गई और बात इस हद तक बढ़ गई कि पुलिस को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। सुखा पर केस दर्ज हुआ। इसी कारण अब वह अमेरिका जा नहीं सकता था। अब सुदर्शन जी और हरजिंदर कौर अपने दोनों बेटों को मौसी के पास छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं। इधर सुखबीर अब सुखा कालो बन चुका था, ना उसे कोई रोकने वाला था ना टोकने वाला। क्राइम को अपना फुल टाइम पैशन बना डाला। उसके नाम की FIR आए दिन दर्ज होने लगी। मामू देखने में एकदम रापचीक। उस दौर में पंजाब के लौंडे फेसबुक पर उसकी पोस्ट देख उसके दीवाने होते चले गए। अब उसकी गैंग भी तगड़ी हो गई। लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, प्रीत फगवाड़ा, काली सुटर, दिलजीत भाना, सोनू गंगला, इंदर शरण, अनमोल बिश्नोई, विक्की गोंडर, लवली बाबा, इन धाकर गैंगस्टरों की टोली। जब सुखा का काबिला निकलता तो पंजाब में बातें होती कि देखो यार आधा यार जा रहा है, क्योंकि भाई लोग सुखा ने क्राइम की दुनिया में जितने भी कांड किए वह उसके यार दोस्तों के लिए ही किए, वरना तो उसका कोई दुश्मन था ही नहीं। 11 अक्टूबर 2008 सुखा ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से शादी की। वह अमीर घराने की छोरी थी। उसके बापू ने सुखा को किसी तरह जुगाड़ कर ऑस्ट्रेलिया भिजवा दिया। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में सुखा की वाइफ बड़ी कंपनी में जॉब करती थी और सुखा टैक्सी चलाता था। इसी वजह से सुखा की पत्नी उसे कई बार घर काम करने को बोलती। खैर असली वजह तो क्या थी वह सुखा ही जाने, पर वह 2010 में भारत चला आया। बस यहीं से उसने क्राइम की दुनिया में ऐसी कल्टी मारी कि फिर कभी पीछे मुड़कर ना देखा। आते ही उसने हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान समेत अक्के पंजाब में भवंडर मचा दिया। साल 2010 में बीजेपी नेता और फगवाड़ा के प्रधान गुरदर्शन सिंह ढिल्लो को बीच सड़क ठोक डाला। वहीं लवली बाबा और सुखा के बीच दोस्ती जानी दुश्मनी में तब्दील हो चुकी थी। वजह थी एक लड़की। दोनों ही एक दूसरे की जान के प्यासे हो गई। दोनों ही मौके की फिरात में थे। तभी सुखा ने टाइमिंग लगाया और विनीपुर के गोगी जिम में लवली बाबा का गेम खल्लास कर डाला। इसी तरह अब सुखा कालो की पंजाब पुलिस के लिए चुनौती बन चुका था, क्योंकि अब तक उस पर 48 केस दर्ज हो चुके थे, जिसमें लूट, हत्या, रंगदारी, किडनैपिंग जैसे मामले शामिल थे। ऐसा नहीं है कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। दरअसल पुलिस ने उसे कई बार उठा लिया और कई बार मुठभेड़ में ठोकने की भी कोशिश की, लेकिन सुखा कालो इतना तेज लौंडा था कि उसके जैसा गैंगस्टर आज तक कोई पैदा ही ना हुआ। वह 4 बार मौत को छू के टक से वापिस आ गया। भाई लोग गैंगस्टर था, मगर दिल से बोलेगा एकदम रापचिक छोकरा था। पंजाब की एक भी ऐसी जेल ना है जिससे ब्रेक कर सुखा कालो भागा ना हो। देखने में भले ही दुबला पतला हो, मगर उसके पिछवाड़े में ठूस ठूस कर डेरिंग भरा था, मतलब जंगल का शेर था। उसे मारने के लिए भेड़ियों को टोली बनाकर आना पड़ा था, तब जाके यह मरा था। इधर 2014 में सुखा ने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया था। सुखा पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था। एक दिन जेल ब्रेक कर भाग गया, सीधा जा पहुंचा राजस्थान। उधर पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई, जिसमें उसका एक दोस्त मारा गया। यहां से सुखा कालो जा पहुंचा उत्तर प्रदेश, जहां उसने यूपी के नामी टकोरी यामिन के साथ मिलकर हिसार के जेलर हरमीत सिंह से 4 किलो सोना और 2 लाख रुपये लूट ली। जब इस टोली यमुना नदी के किनारे पहुंची, तब यामिन को लालच जगा और सुखा कालो का गला काट कर यमुना नदी में फेंक दिया, जहाँ कुछ मछुआरों को सुखा की बॉडी मिली। उसे कानपुर अस्पताल लाया गया और मामू जिंदा बच निकला। इधर सुखा के पिता अमेरिका से आ चुके थे। वहां सुखा को पश्चिम बंगाल अपने दोस्त के यहाँ ले गए, जहाँ उसका इलाज हुआ।
पर जब तक वह ठीक हुआ तब तक पंजाब पुलिस ने उसे लवली बाबा मर्डर केस में उठा लिया। भाई लोग लवली बाबा की हत्या से विक्की गौंडर सोनू बाबा और बहुत सारे गैंगस्टर सुखा के दुश्मन बन चुके थे। दरअसल लवली बाबा की हत्या में सोनू बाबा गवाही देने वाला था। सुखा ने सोनू बाबा को गवाही देने से मना किया तो सोनू बाबा ने सुखा को कस्टडी में थप्पड़ झाड़ दिया। अब सुखा हाइपर हो चुका था। सुखा ने धमकी दी, जैसे ही मैं जेल से बाहर आया तेरा किस्सा खत्म कर डालेगा। भाई लोग सोनू बाबा भी जानता था कि सुखा की वार्निंग यानी मौत का आगाज। सोनू बाबा डर चुका था। अब उसके मगज में एक ही बात घूम रही थी कि सुखा को जेल से बाहर आने से पहले ही ठोकना पड़ेगा। फिर यह सोनू बाबा ने सुखा के जानी दुश्मन विक्की गौंडर और प्रेमा लाहौरिया के साथ सेटिंग किया। 21 जनवरी 2015 जब पंजाब पुलिस सुखा कालों को कोर्ट से जेल ले जा रही थी, तभी फकवाड़ा नेशनल हाईवे पर जमालपुर के पास दो फॉर्च्यूनर आई जिसमें आदम गोरों की पूरी टोली भरी पड़ी थी, जो पिंजरे में कैद अकेले शेर का शिकार करने आए थे, जिसमें पुलिस जिंदा लाश बनकर देखती रह गई और पंजाब के शेर को आदम गोरों की टोली ने गोलियों से छल्ले कर दिया। सुखा कालों को क्राइम वर्ल्ड के इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। जब सुखा का पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर से 100 से ज्यादा गोलियां निकाली गई थी। कुछ दिनों बाद विक्की गौंडर और उसके छोकरे लोग को पुलिस ने एनकाउंटर में ठोक दिया था। अरे मामा, सुखा कालो भले ही एक गैंगस्टर था मगर वह दोस्ती में सबका बाप था। उसके जैसा दोस्त नसीब वालों को ही मिलता है। तो भाई लोग, यहाँ मुझसे बोलने में या दिखाने में कोई गलती हो गई हो तो माफी चाहता हूँ, क्योंकि अपन कोई भगवान तो ना है, अपन से भी गलतियाँ हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।